तो वहीं आजमगढ़ से खबर है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बड़ी जानकारी देखिए, 25,000 के इनामी को लगी पैर पे गोली, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। 29 नवंबर की घटना में वांछित था ये बदमाश। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, बड़ी जानकारी देखिए, और इस दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि 29 नवंबर की घटना में वांछित था ये बदमाश, ये जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ यहाँ हुई है पुलिस और बदमाश के बीच, और इस बीच आपको बता दें कि बदमाश गिरफ्तार हो गया है, घायल भी हुआ क्योंकि पुलिस की गोली पैर पर बदमाश को लगी। 25,000 का इनामी बदमाश ये बताया जा रहा है। बता दें आपको कि 29 नवंबर की घटना में वांछित था ये बदमाश, पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और मुठभेड़ के दौरान बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। तो ये तस्वीर भी आप देखिए। आपको बता दें कि आजमगढ़ का ये पूरा मामला, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को पैर में गोली लगी, गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि घायल है बदमाश, जिसके बाद अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टर बदमाश का इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि 29 नवंबर की घटना है जिसमें वांछित ये बदमाश था, पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी और अब पुलिस की गिरफ्त में ये बदमाश आ गया है। तो पुलिस बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये बदमाश, इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और आपको बता दें कि आजमगढ़ का ही पूरा मामला है, आजमगढ़ में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस लंबे समय से तलाश भी कर रही थी। आपको बता दें कि 25,000 का इनाम भी इस बदमाश पर घोषित है। तो बड़ा बदमाश ये है। 29 नवंबर की घटना में वांछित था ये बदमाश, ये जानकारी मिल रही है। और तभी से तलाशी की जा रही थी इस बदमाश की, और आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है और इस दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो जाता है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान जानकारी ये है कि बदमाश के पैर में गोली लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज उसका किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इसके साथ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। 29 नवंबर की घटना में वांछित था ये बदमाश, ये जानकारी। तो राम अवतार उपाध्याय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। राम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है 29 नवंबर की घटना? कौन सी वो 29 नवंबर की घटना जिसमें वांछित था ये बदमाश और अब सफलता पुलिस को? बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि ये बरदा थाने में आज पुलिस के और बदमाश के सामने मुठभेड़ हो गई है, जिसमें बदमाश को दाहिने पैर में गोली लगी है और दो गोली लगी है, जिसमें एक उनकी जो चक्री है उसमें भी गोली लगी है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, ये 29 नवंबर को बदमाशों द्वारा एक चैन छिनैती का मामला आया था, जिसमें पुलिस के काफी हाथ पांव फूल गए थे। और इन दिनों जिस तरह से ठंड बढ़ी है, उसी तरह से लगातार अपराध का भी ग्राफ बढ़ा है, चाहे 1 दिसंबर को प्रधानाध्यापक की हत्या को लेकर के बात कर ली जाए। तो इस पर जिले के SP अनुराग आर ने तत्काल इन पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। लेकिन आज शनिवार की सुबह में इनकी और पुलिस की मुठभेड़ हो गई है, जिसमें बदमाश घायल हो गया है। जी सर जी, और इस बदमाश के साथ क्या कोई साथी भी मौजूद था? जी, ऐसी पुलिस महकमे से जब हमारी आला अधिकारियों से बात हुई है, तो उसमें पता चला है कि इनके साथ एक व्यक्ति था, वो भी फरार हो गया है। लेकिन ये तो चूंकि अरविंद राजभर का पुत्र है, ये दीपक राजभर, जो कि मुठभेड़ में घायल हुआ है, और अन्य बदमाश की तलाश भी की जा रही है। जी सपना जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुँचाना। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए।